हेलो एवरीवन, अब तक चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज हमें समझ में आ गया है। चलो आज देखते हैं नया इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर कोई कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या हो गया, टॉपिक हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर इज ए मेटेरियल विच इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे करके चल सकते हो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ, आप जानते हो किसी भी एटम में न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण, ये न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स के चलते ये इसको घुमा रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। अब ये फोर्स कितना होगा वो डिपेंड करता है कि यहां पर कितना चार्ज है और ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, डिपेंड करता है न्यूक्लियस कितना प्रोटॉन रखता है और ये कितना दूर पे है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर यू विल से व्हाट इज द फोर्स। अगर ये फोर्स काफी वीक हुआ तो कोई अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन एक वीक फोर्स उसको पकड़ के रखा है, कहीं से अगर थोड़ा सा धक्का दे दिया कोई तो इसको ये छोड़ के भाग जाएगा। अगर ये फोर्स काफी स्ट्रांग हुआ, कोई बाहर फोर्स आके धक्का देगा तब भी थोड़ा सा पाथ में चेंज आ जाएगा लेकिन स्टिल यू कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड इट। अगर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस सो दैट विथ अ स्मॉल फोर्स इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्बिट, then you will call it a free electron। तो कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कंडक्टर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धक्का मुक्का मारो वो घर छोड़ के तुरंत भाग जाते हैं, है कि नहीं। कुछ फ्री बच्चे भी तो होते हैं जो घर में तो होते हैं लेकिन घर के साथ बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, कोई एरा गेरा दोस्त हाफ चॉकलेट दे दिया पता चला भाग गए उसके साथ, क्योंकि दोस्त बढ़िया है थोड़ा सा चॉकलेट दे दिया। जिनको घर के साथ बहुत ज्यादा लगाव है उनको कोई कितना भी खिलाए पिलाए बुलाए वो लोग घर से नहीं जाते, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। तो समझ में आया, व्हेन द बाइंडिंग फोर्स इज वेरी स्ट्रांग दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नॉक्ड आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, बाइंडिंग फोर्स इज वेरी वीक विद अ स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स इट विल लीव द एटम एंड गो। इतना तो समझ में आया, जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली निकल के भाग जाएगा जो इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर वन, ए कंडक्टर और ए मेटेरियल हैविंग एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ये चीज आपको समझ में आया, जैसे आप बात कर लो कॉपर का ले लो, बात सोडियम का एटमिक नंबर कितना है 11, तो अगर ये न्यूक्लियस है सोडियम का उसके फास्ट ऑर्बिट में रहेंगे तो फिर रहेंगे 2n² प्रिंसिपल तो आप लोग जानते हो, फिर रहेंगे 8, फिर बाहर रहेगा 1, 2+8+1 एटमिक नंबर इसका 11 है। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है आप जानते हो कि ये मेटल हरदम ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना चाहता है, ऑक्टेट रूल मतलब वो चाहेगा कि कम से कम मेरा सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। आपके घर कैसे भी हो, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे भी हो, ड्राइंग रूम को बढ़िया से सोफे के ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के सजा के रखते हो कि नहीं रखते हो, हो सकता है अंदर कुछ दूसरा प्रॉब्लम है लेकिन बाहर वाला रूम को हरदम सजा के रखते हैं। तो एटम को लगता है कि अगर मेरा बाहर वाला वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं सुंदर दिखूंगा। ठीक है, वो हरदम कोशिश करता है 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको और 7 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रहता है,
लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह से अब्सॉर्ब करने से बेहतर है, इसको लगता है कि इसको अगर भगा दूं तो ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई एक मेटल जिसको हम सोडियम कहते हैं पिन नंबर 11, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रखने को नहीं चाहता है, चाहता है कि थोड़ा सा भी कोई बुलाए भाग जाए, उसके साथ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा तो घर इसमें ही सुंदर दिख रहा है। दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स आप ऐसे कह सकते हो। तो कोई भी मेटल को आप गुड कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है। सो ऑल मेटल्स मे बी कॉपर, मे बी एल्यूमिनियम, मे बी गोल्ड, है ना, मे बी सोडियम, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मतलब उनमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम कोई कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या होगा, हम सारे चीज को समझेंगे, जितना लिखने की लायक है उतना ही लिखेंगे, सारा चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग ब्लॉक है, हम इसको पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कोई बॉडी को अगर नेगेटिव रिचार्ज करना है तो आप उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई बॉडी को आप पॉजिटिव रिचार्ज करना चाहते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले लो, है ना। अच्छा, सपोज मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहता हूं और वो कितना, 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो क्या चार्ज हो जाएगा, 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो मैं कहां पर दिया, चलो मानते हैं कि इसका सेंटर में से मैं 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, नाउ द चार्ज हियर इज 100e। मैं क्या कहूंगा, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देने से, निकाला इलेक्ट्रॉन लेकिन कहूंगा मैं 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज दिया हूं। अब क्या होगा, थोड़ा तो दिमाग में आपका होगा कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपल करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आप यहां से 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लिए, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ, सोचो यहां का कोई एक एटम जिसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ बहुत ही वीकली कनेक्टेड है, अब ये इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बन गया वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके साथ स्ट्रॉन्गली बंधा हुआ नहीं है तो क्या करेगा, ये इसको छोड़ के भागा करेगा, है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के इधर आ गया वो एटम क्या बन गया, दैट एटम इटसेल्फ बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया ऐसे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बन गया इसके ऊपर फोर्स आने लगेगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, देयर बी रिपल्सिव फोर्स ऑन इट। तो क्या हो गया, ये जो फोर्स आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को इधर को ढकेलेगा। अच्छा, क्या बता सकते हो, व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम नाउ, इट इज वन इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो इधर आया है। अब देखो मजेदार चीज क्या हो रहा है, हो ये रहा है, आप यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो यहां पर चार्ज कितना हो गया, 99e, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की चार्ज, तो यहां पे कहां पर अपीयर करेगा, यहां के यहां पे अपीयर करेगा क्योंकि रिपेल कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ओवरऑल अगर कोई देखेगा तो यहां पर 100e पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ी देर के बाद 99e पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया है, है ना, प्लस ई हैज कम हियर, दैट इज द चार्ज हियर इज प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹। सिमिलरली चारों तरफ से चार्जेस इसके तरफ आने लगेंगे, आने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल सी ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगेगा, यहां से आप 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, अब इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे इसके तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आने लगे ये धीरे धीरे घटने लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस भी आने लगेंगे, है कि नहीं। जब तक ये 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा तब तक उतना ही पॉजिटिव चार्ज सरफेस में आ गया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज सरफेस में आता है, है ना, इंटरेस्टिंग। इसका मतलब अभी फाइनली क्या होगा, फाइनली व्हाट इज द चार्ज हियर, ये तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज हो गया, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे,
ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींच के ले आया क्योंकि वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो उनको ले आया, खुद न्यूट्रलाइज हो गया। और तब तक सरफेस में कितना चार्ज हुआ होगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया होगा, मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसको पास आए तो सरफेस में भी 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये हुआ कि जब भी हम कोई कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देते हैं, कुछ भी चार्ज देते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि वो चार्ज इमीडिएटली न्यूट्रलाइज होता है और सरफेस पे रीअपीयर करता है, यहाँ पर वो डिसअपीयर कर जाएगा, यहाँ पर वो रीअपीयर हो जाएगा। सो एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी ऑन दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। समझ में आया, क्या लिखेंगे, ये सारा चीज समझने के लिए था, थोड़ा सा कुछ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एनी चार्ज गिवेन टू ए कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एंट्रेंसेस में भी आ चुका है, अगर कोई कंडक्टर को कुछ चार्ज देंगे देन ऑप्शन नीचे जाएगा, द चार्जेस विल कंसेंट्रेट एट द सेंटर, दे विल स्प्रेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दे विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या आंसर होगा, दे विल कंसेंट्रेट एट द सेंटर, नो, दे विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नो, व्हेयर दे विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो वो तुरंत कहां आएगा, सरफेस पे आएगा, है ना। सोचो कि छोटे छोटे थर्मोकूल्स आप हाथ में ली, पानी के अंदर लेके कहीं भी छोड़ दो, तुरंत वो लोग आके सरफेस में फैल जाएंगे। सो एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर दैट इमीडिएटली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये चीज समझ में आया, ये जो चीज समझ में आया इसको और बहुत बढ़िया से समझते हैं। अब सरफेस मतलब कैसा, जैसे हम कहेंगे कि सपोज कहेंगे कि यहां पर कोई एक सॉलिड कंडक्टिंग ब्लॉक है, एग्जांपल पे दे रहे हैं, और इसको आप कुछ चार्ज दिए तो चार्ज कहाँ आएगा, समझ में आ गया कि सरफेस में आएगा, ये अगर कंडक्टिंग ब्लॉक है तो चार्जेस कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, इट्स ए सॉलिड कंडक्टिंग ब्लॉक, ठीक है। चलो हम अभी बात करते हैं कोई हॉलो ब्लॉक का, कोई हॉलो ब्लॉक का ब्लॉक बात करेंगे तो मान लो कि एक डिब्बा जैसा चीज है, बॉक्स है, कंडक्टिंग बॉक्स है, इसमें कुछ चार्ज देंगे तो इफ आई गिव सम चार्ज हियर, तो डू यू थिंक ये सरफेस में भी कुछ रहेगा और बाहर वाला सरफेस में भी कुछ रहेगा, नहीं, ध्यान रहे आप यहाँ पे कुछ भी चार्ज दो वो सिर्फ बाहरी सरफेस पे रहेगा, अंदर वाले सरफेस पे कुछ नहीं रहेगा, याद रखना है चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, जो भी चार्ज दोगे ये अंदर फ्री स्पेस है, ये एयर है, ठीक है ना, तो जो भी चार्ज दोगे वो सिर्फ बाहरी सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कि कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, लेट्स से हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर और एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, ये कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, हॉलो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा अब क्या हुआ, मैं इसमें Q2 चार्ज था, इसमें Q1 चार्ज था, यहां पर एक स्विच था, हम दोनों को जोड़ सकते हैं, स्विच S को अगर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, when you close switch S you will see the shape of the spheres remain the same, ये एक स्फीयर था, ये एक स्फीयर था, अब दोनों जुड़ गए हैं, तो क्या होगा, इसमें और कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्या होगा, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा बाहरी सरफेस पे, कितना, Q1 plus Q2, already Q1 था, Q2 भी भाग के ऊपर चला गया, टोटल चार्ज हो गया Q1 plus Q2, समझ में आया ना, अंदर कितना चार्ज है, बड़ी द चार्ज इन द इनर स्फीयर नाउ आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो ये स्विच इज ओपन, S इज ओपन,
और इस केस में एस तो क्लोज हो गया है, एस स्विच एस इज क्लोज्ड। तो क्या देख रहे हैं, सारा का सारा चार्ज सरफेस में आ रहा है। तो क्या देखें, ये हलो 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 कंसेंट्रिक कनेक्टिंग स्फीयर, जब स्विच क्लोज कर दी तो क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज सरफेस में आ गया, अंदर वाले स्फीयर में और कोई चार्ज अभी नहीं है। समझ में आया ना? ठीक, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, कंडक्टर को हम जो भी चार्ज देंगे वो कहां पर मिलेगा, इट बी अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, चाहे वो कंडक्टिंग बॉडी कैसा भी शेप का हो, सारा का सारा चार्ज सरफेस में ही आएगा, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा। ये बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो हम न्यूमेरिकल करेंगे चीजों की जरूरत पड़ेगा। ओके, ये हम लोग अभी समझ गए। चलो अब देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो होगा कैसे, थोड़ा उसके बारे में ध्यान देते हैं। सपोजिंग यहां पर कोई एक कंडक्टिंग ब्लॉक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आप यहां से 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को निकाल लिए, किसी एक एटम का 3 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा हुआ आ गया, यहां पे आके पहुंचा, उसके चलते जो पॉजिटिव चार्ज बना वो आके यहां पे पहुंचा, लेकिन सिलसिला यहां पे खत्म नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, ये जो 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अब ये 99e हो गया है, लेकिन ये अब भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, अभी भी यहां पर आने के बाद भी ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, उस पे फोर्स आ रहा है, बिकॉज देयर लाइक चार्जेस। अब सोचो यहां पे कोई ब्लॉक रखा है 50 केजी का, आप इसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, विल द ब्लॉक गो अप, नो, मान लो कि आप 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हो, एक छोटा सा वीक फोर्स से खींच रहे हो, इसका वेट तो 50 केजी मींस रफली अराउंड 500 न्यूटन, खींचोगे तो उठ के तो नहीं जाएगा, डू यू थिंक ये ब्लॉक उठ के ऐसे जाएगा, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना, मैं कोई ब्लॉक को ऐसे खींचूंगा तो ब्लॉक मेरी तरफ आने लगेगा, क्योंकि मैं इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा हूं तो इधर मूव करेगा। तो अब देखो ये जो फोर्स इसके ऊपर आया उसके चलते ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, सोचो इसके ऊपर भी तो फोर्स आ रहा है, ऐसे ये किधर जाएगा, ये भी क्या उधर जाएगा, नहीं, ऐसा फोर्स के चलते ये इधर आने की कोशिश करेगा, है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे कि मान लो कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाने की कोशिश करेगा, सोचो तो इसके ऊपर फोर्स आ रहा है इस डिरेक्शन में, ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहने का मतलब है कि ये जोन के चार्ज नीचे जाएगा, ये जोन के चार्ज इधर आएगा, ये जोन के चार्ज इधर जाएगा, ये जोन के चार्ज इधर जाएगा। व्हाट विल ऑब्जर्व, द चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉर्नर। अब अगर कोई चार्ज यहां पे हुआ तो इसके ऊपर तो फोर्स ऐसे आया और इस फोर्स के चलते ये एटम को बाहर नहीं निकाल सकता, वो यहीं पड़ा रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। रिपीटिंग, जैसे ये ब्लॉक को ऐसे खींचूंगा तो इधर जाएगा, ऐसे खींचूंगा तो इधर जाएगा, इधर को जाएगा, लेकिन अगर ऐसे खींचूंगा 10 न्यूटन फोर्स में तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो फोर्स है ना इसको इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है ना इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। The component of force in this direction as well as in this direction is zero, है ना? तो ये चार्ज यहीं पे पड़ा रहेगा। So ultimately what you observe कि यहाँ ये जोन में जितने सारे चार्ज थे सारे इधर आ गए, इधर जो चार्ज थे इधर आ गए, इधर जो चार्ज थे इधर आ गए, इधर जो चार्ज थे इधर आ गए, यहाँ का चार्ज इधर, यहाँ का चार्ज इधर, यहाँ का चार्ज इधर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, मोर एंड मोर चार्ज आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉर्नर्स, मोर एंड मोर चार्ज आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉर्नर्स एंड लेस चार्ज रिमेन्स इन दिस जोन, इन द फ्लैट जोन लेस अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिसाइडिंग। तो क्या कंक्लूजन मिला कि व्हेनेवर यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर, यस, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नॉट ओनली दैट, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाट हैपेंस, मोर चार्ज पर यूनिट एरिया इज फाउंड और मोर चार्ज कंसेंट्रेशन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शार्प एजेस एंड लेस चार्ज कंसेंट्रेशन टेक्स प्लेस इन द
फ्लैट रीजियंस, जितना ज्यादा सरफेस होगा वहां पे उतने ज्यादा चार्ज कंसेंट्रेशन होगा, समझ में आ रहा ना। तो यही चीज को अभी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर थ्री, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, मोर चार्ज कंसेंट्रेशन, मोर चार्ज कंसेंट्रेशन टेक्स प्लेस एट शार्प एजेस एंड लेस चार्ज अपीयर्स ऑन द फ्लैट रीजियंस। यहां पर भी टर्म यूज कर रहा हूं चार्ज कंसेंट्रेशन, चार्ज कंसेंट्रेशन क्या मतलब इसका, चार्ज कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट अस डिफाइन इट एज ए टर्म कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा क्या है, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको आप चार्ज कंसेंट्रेशन भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो व्हेन यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर, चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी मोर एट द शार्प एजेस, चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा विल बी लेस एट द फ्लैट रीजियंस। समझ में आ रहा है, मैं आपको और थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू ए केस, आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज एक ओवल शेप का कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, सपोज हम कहेंगे ऐसा शेप का एक कंडक्टिंग बॉडी है, ऐसा एक कंडक्टिंग बॉडी है। नाउ अगर हम इसको चार्ज देंगे तो आप देख रहे हो कि दिस पार्ट इज लुकिंग शार्पर देन दिस पार्ट। तो अगर आप चार्ज दोगे तो यहां पर जो चार्जेस होंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी मोर, चार्जेस विल बी अवेलेबल क्लोज टू ईच अदर। ये रीजन में भी चार्ज रहेंगे लेकिन यहां पर जितने क्लोज क्लोज थे, चार्ज पर यूनिट एरिया जितना था उतना ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया इधर नहीं होगा, इधर चार्ज पर यूनिट एरिया उससे कंपैरेटिवली कम होगा। इस जोन में आप देखोगे चार्ज पर यूनिट एरिया इज लेस। इफ यू गो फॉर दिस जोन, ये जोन में तो और भी स्पार्सली मिलेंगे आपको चार्ज। समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है बी, ये पॉइंट का नाम है सी, तो आप कहोगे सिग्मा एट ए इज मोर देन सिग्मा, दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया एट बी इज मोर देन सिग्मा एट सी। यू सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मोर चार्ज कंसेंट्रेशन टेक्स प्लेस एट द शार्प एजेस, लेस चार्ज कंसेंट्रेशन टेक्स प्लेस एट द फ्लैट रीजियंस। ये जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जो जेई में आया है। ए सॉलिड कंडक्टिंग कोन वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड गिवन ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस एज शोन, अरेंज चार्ज कंसेंट्रेशन एट दिस पॉइंट्स एट दीज पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर
क्या दिया है, एक कोण दिया है। कैसा कोण? ऐसा वाला। सॉलिड कंडक्टिंग कोण है, इसके ऊपर चार पॉइंट दिया है सरफेस पे। एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी है, और मान लो कि इस एज पे एक पॉइंट है डी। तो देखो तो कहा है, ए है, बी है अपेक्स में। ए क्या है? उसका ऊपर वाला कर्व सरफेस, वहां पे। डी क्या है? नीचे जो फ्लैट बेस है उसका एज में। सी कहा है? पूरा फ्लैट बेस के सेंटर में। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे रहेगा? चार्ज कोऑर्डिनेट एरिया कहां पे रहेगा? अगर ऐसा कोण को हम चार्ज दे देते हैं, चार्ज कोऑर्डिनेट एरिया सबसे ज्यादा कहां पर होगा? हमारे दिमाग में तो है कि एट द सरफेस एज जो सबसे ज्यादा साफ रहेगा वहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा होगा। दैट मींस सबसे ज्यादा कहां पर होगा, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा शार्प है? ऑब्वियसली बी। तो आप कहोगे सिग्मा बी इज द मैक्सिमम, सिग्मा एट बी इज मैक्सिमम। अच्छा, उससे थोड़ा सा कम दूसरा एज देखो, तो ध्यान से देखो ये कोण है, निचला हिस्सा फ्लैट है, मतलब यहां पर भी एज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो सिग्मा बी विल बी मोर देन सिग्मा एट डी। अब ए और सी को देखो, सी इज एब्सोल्युटली फ्लैट, सी इज ए पॉइंट ऑन द एब्सोल्युटली फ्लैट सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी मिनिमम, सो यू विल से सिग्मा एट सी इज द मिनिमम। ए फ्लैट नहीं है लेकिन कर्वेचर है कि नहीं, क्योंकि कोण का बाहर वाला सरफेस में कर्वेचर तो है, तो सिग्मा सी विल बी लेस देन सिग्मा ए, लेस देन सिग्मा डी, दैट इज लेस देन सिग्मा बी। सो ये हो गया आपका आंसर, चार्ज पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर डी पे, फिर उससे कम होगा ए पे, सबसे कम होगा सी पे। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम चारों पॉइंट के चार्ज पर यूनिट एरिया को सजा के लिख दिए। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। व्हेनेवर एनी चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर that gets distributed on the surface of the conductor. दूसरा हुआ, the charge distribution on the surface is non-uniform with more charge concentration taking place at the sharp edges. ठीक है, ये तो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर फोर। अगर ऐसा हुआ कि कंडक्टर में कोई शार्प एज नहीं है तो क्या होगा? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कि सपोज देर इज नो शार्प एज इन द कंडक्टर, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, फॉर इवन सरफेस रेगुलर बॉडीज यू कॉल इट ए स्फीयर, कोई एज नहीं है, हर जगह बराबर है, राउंड राउंड है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। फॉर इवन सरफेस रेगुलर बॉडीज और स्फेरिकल बॉडी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस। मतलब अगर आप किसी एक स्फीयर को चार्ज देते हो तो चार्ज कैसे होगा? हर जगह आपको बराबर स्पेसिंग में चार्जेस मिलेंगे, कहीं पास पास कहीं दूर दूर ऐसा नहीं, देयर बी इक्वल स्पेस एवरीवेयर। मतलब अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर पे ए एक पॉइंट है, बी कोई एक दूसरा पॉइंट है, तो आप कहोगे सिग्मा एट ए इज इक्वल टू सिग्मा एट बी, क्योंकि कोई शार्प एज है ही नहीं, चार्ज कोऑर्डिनेट एरिया हैज टू बी सेम एवरीवेयर। समझ में आया? अब यहां पे दो केस आते हैं। पहला केस हुआ कि व्हेन टू सिमिलर स्फीयर्स, मतलब दोनों का साइज बराबर है, कैरिंग डिफरेंट चार्जेस Q1 and Q2 are brought to P
फिजिकल कॉन्टैक्ट, द टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द टोटल सरफेस। मतलब सपोज हम कहेंगे यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान से देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मान लो रेडियस आर है, इसमें कुछ चार्ज Q1 दिया गया था जो इसके सरफेस में पड़ा हुआ था। दूसरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका भी रेडियस R है, चार्ज कितना है Q2। अब हुआ क्या, ये दोनों को हम ला के एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में ले आए। अब क्या होगा, ये चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, समझ में आना, चार्जेस विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे हो जाएंगे, मान लो कि Q1 इज द फाइनल चार्ज हियर, Q2 इज द फाइनल चार्ज हियर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हमें Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है, कौन सा Q1, स्मॉल Q1, स्मॉल Q2, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हाउ वी प्रोसीड टू फाइंड Q1 एंड Q2। पहला चीज तो हुआ कि अगर हम इस पॉइंट को A कहेंगे, ये पॉइंट को बी कहेंगे, आप जानते हो कि कोई भी शार्प एज नहीं होने के कारण ये पूरा का पूरा सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो पहला हुआ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है ये लॉ, क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना था उतना ही रहेगा, आप उसको कम ज्यादा कर नहीं सकते। कितना था, Q1 plus Q2, आपको होगी Q1 plus Q2 is equal to Q1 plus Q2, ये Q1 Q2 क्या है, final charge on the two spheres, है ना। अच्छा दूसरा हुआ charge per unit area at A is equal to charge per unit area at B, A में charge per unit area जितना होगा B में charge per unit area उतना ही होगा, समझ में आ रहा है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया एट ए क्या होगा, यहां पर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है Q1, अगर Q1 चार्ज है कितना एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप जानते हो कि कोई स्फीयर का अगर रेडियस r है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ध्यान रहे स्फीयर का रेडियस अगर r है, वॉल्यूम होता है 4 पाई 3 पाई r क्यूब, लेकिन सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब ये Q1 चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 पाई r स्क्वायर एरिया पे, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया, चार्ज बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा b क्या है, q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने एरिया पे, दोनों सिमिलर स्फीयर है ना, दोनों का रेडियस r है, तो हम कहेंगे इट इज q2 बाय 4 पाई r स्क्वायर। अब ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इससे क्या पता चल रहा है, q1 इक्वल टू q2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, ये क्या था इक्वेशन नंबर 1, दोनों को देखो तो Q1 plus Q2 equal to capital Q1 plus capital Q2, and Q1 Q2 दोनों बराबर है, क्या मतलब मिला, Q1 Q2 is equal to Q1 plus Q2 by 2, दोनों मिलके ये होता था, अकेले कितने होंगे, दोनों बराबर है, अकेले कितने होंगे, इसका आधा। इसका मतलब when two similar spheres carrying different charges Q1 and Q2 are brought to physical contact, the total charge equally distributes on the टोटल सरफेस। मतलब अगर Q1 plus Q2 चार्ज दे दिए तो इसमें चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 by 2, इसमें चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 by 2, दोनों में बराबर चार्ज आ जाएगा। सपोज इसमें Q1 चार्ज था, इसमें माइनस Q2 था, तब जैसे जोड़ेंगे टोटल चार्ज क्या हो गया Q1 minus Q2, तो आप कहोगे इसमें हो जाएगा Q1 minus Q2 by 2, इसमें हो जाएगा Q1 minus Q2 by 2, लेकिन ध्यान रखना क्या, टू सिमिलर स्पीयर्स, अगर डिसिमिलर होंगे तो उसको देखेंगे, सिमिलर होंगे तो बात कुछ ऐसे होगा, समझ में आया, सिमिलर स्फीयर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
अरे समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, टू सिमिलर कॉपर बॉल्स हैव चार्जेस से हैव चार्जेस 48 माइक्रोकुलम एंड 80 माइक्रोकुलम इफ दे आर ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट फाइंड इन व्हिच डिरेक्शन और फ्रॉम व्हिच बॉल इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू दी अदर, कौन सा बॉल से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉल को फ्लो करेगा। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर, ध्यान से देखो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर, ये आपको देखना है। क्या दिया क्वेश्चन में, दो ठो सिमिलर कॉपर बॉल है, दोनों का साइज बराबर है, तो पहला बॉल हुआ ये, इसमें है आपका 48 माइक्रोकूलम, यू कैन कॉल इट Q1। दूसरा बॉल हुआ ये, इसमें कितना है चार्ज, 80 माइक्रोकूलम, चलो इसको Q2 कहते हैं। जब दोनों को फिजिकली जोड़ देंगे, नाउ द टू बॉल्स आर इन कॉन्टैक्ट, पहला बॉल दूसरा बॉल, दोनों बॉल कॉन्टैक्ट में आ गए। तो आप जानते हो कि अगर सिमिलर बॉल है तो किसमें ज्यादा चार्ज होगा, जिसमें ज्यादा था उसमें ज्यादा चार्ज होगा कि जिसमें कम चार्ज था उसमें ज्यादा चार्ज होगा, अरे नहीं दोनों में बराबर चार्ज हो जाएगा। नाउ हियर टू बी क्यू, हियर टू बी ऑल्सो क्यू, एंड व्हाट इज दैट क्यू, क्यू इज Q1 प्लस Q2 बाई 2, कितना हो गया देखो तो 48 प्लस 80 इज 128, 128 बाई 2 इज 64 माइक्रोकूलम, मतलब हर एक बॉल में 64 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 10 चार्ज ऑन इच बॉल बिकम्स 64 माइक्रोकूलम। अच्छा पहला बॉल में चार्ज क्या था, 48 माइक्रोकूलम, अब क्या हो गया 64 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव था अब ये और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। कोई कंडक्टिंग बॉडी को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो ये 48 माइक्रोकूलम का चार्ज रखता था, इट वाज पॉजिटिव नो डाउट, बट नाउ इट इज मोर पॉजिटिव, दैट मींस इट मस्ट हैव गिवन सम इलेक्ट्रॉन्स। सो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टू द सेकंड बॉल, एज फर्स्ट बॉल बिकम्स मोर पॉजिटिव, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड हैव मूव्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड बॉल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है कहां से कहां पर, फर्स्ट बॉल से सेकेंड बॉल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है ना। अब दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे,
कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पहले देखो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज और चार्ज गेन बाय फास्ट बॉल, चार्ज गेन बाय फास्ट बॉल कितना है, पहले था 48 अब हो गया 84, तो ये कितना हो गया 14 minus 86 एंड 7 minus 4 is 36 माइक्रोकूलम, ये हो गया 36 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। समझ में आया, अगर 36 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ है तो कितने तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये जो चार्ज है फास्ट बॉल 36 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज पाया है, मतलब 36 माइक्रोकूलम का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। दो निकाल देंगे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे कितना चार्ज होगा, n × 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आप क्या कहेंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर देन n × 1.6 × 10⁻¹⁹ = 36 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम है ना। क्या इसमें से हम n का वैल्यू नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यस इट कैन बी फाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी फाउंड। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। पहला, कंडक्टर किसको कहते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। दूसरा, कंडक्टर में क्या होता है जब हम चार्ज देते हैं, सेंटर में कंसेंट्रेट कर जाता है, वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है कि सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। तीसरा, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होता है, सरफेस में चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होता है ना, ब्लॉट एजेस में कम होता है। स्पेरिकल बॉडी में क्या होता है, स्पेरिकल बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, दो तो सिमिलर चार्ज बॉल को, कंडक्टिंग बॉल को, सिमिलर बॉल, सिमिलर शेप एंड साइज का बॉल को लाके कॉन्टैक्ट में रखेंगे, फाइनली दोनों में कितना कितना चार्ज होगा, Q1 + Q2/2, उनका इनिशियल चार्ज का सम बाई 2। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर दोनों बॉल सिमिलर शेप के हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर वो डिसिमिलर शेप के हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमको फिर से और देखना पड़ेगा, लेकिन सारा पॉइंट को एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, ओके।